मैं वापस आता हूं मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताए अब कुछ प्रायोरिटी ऑर्डर कुछ देखते हैं तो एग्जाम्पल हमारा ये गिव्स प्रायोरिटी इन फॉलोइंग ग्रुप काम आएंगे सबसे पहले बताओ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी आयोडीन की, बिल्कुल सही है सेकंड बताओ सी एस थ्री और फ्लोरीन में किसकी ज्यादा होगी? थर्ड बताओ सी सी एल थ्री और एफ में किसकी ज्यादा होगी किसकी ज्यादा होगी एफ की पहला आइटम देखना है अपन को तो पहला आइटम हमें बाद में कितना आ रहा है उससे मतलब नहीं है वो तो पहला अगर टाई होता है तो बाद का रोल है थर्ड बताओ OH और सी एफ थ्री में किसकी ज्यादा होगी OH. क्योंकि पहला देखना है हमें फोर्थ C डबल वन ओ एच और ओ OH एच में किसकी ज्यादा होगी इसको ऐसे ट्रीट करो कि ये कार्बन दो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है समझना और इसमें जोड़ो ऑक्सीजन लेकिन पहला कार्बन ही है ना ये तो पहला कार्बन बोलो हाँ या ना यहाँ क्या है ओ एच है तो कौन ज्यादा होगा ये ऑक्सीजन तो बाद में आता हाँ इसकी लड़ाई अगर इसके साथ होती है। तो सोचते इसमें पहला कार्बन हाँ इसमें भी पहला कार्बन लेकिन इसका पहला कार्बन दो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है इसका पहला कार्बन एक ही ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है जीत गया टाइप सिक्स अब कौन ज्यादा आएगा सीएचओ पहला कार्बन टाइप हो गया ये दो ऑक्सीजन से जुड़ा है अरे पहले यह एक ही फ्लोरीन से जीतता है जी दिया पहला ही जी दिया समझ में आया दो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ तो तब फायदा मिलता है जब पहला वाला कार्बन एक ही ऑक्सीजन से जुड़ता कोई दिक्कत आई समझने में छ नंबर सात ये एक कार्बन से नहीं दो कार्बन से जुड़ा हुआ है ये पहला कार्बन है टाई हो गया यह तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है अब देखा जाए तो ये क्या है दो कार्बन एक फ्लोरीन ये तीन कार्बन जीत गया वो कोई बात नहीं तो पाला टाई हुआ पाला तो ये भी कार्बन है आप इसको देखो मान लीजिए ये अच्छे हाँ चेक करते हैं इसको बिल्कुल फ्लोरीन वहाँ नहीं लगानी है मेरे को यहाँ लगानी है अब जीतेगा वहाँ लगाऊंगा तो नहीं है सही कह रहे हैं आप तो कैसे देखेंगे इसको ऐसे ट्रीट करेंगे और इसको कैसे ट्रीट करेंगे ये दो कार्बन एक फ्लोरीन, ये दो कार्बन एक तीन कार्बन कौन जीतेगा अगर वो फ्लोरीन वहां होता तो तुम्हारा पॉइंट सही होता जो भी है क्लियर है कंसेप्ट